हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर एजुकेशन। तो आज भिडियोटी आम दशम श्रेणी इंग्लिश गोटे विषय रही द सॉलिटरी रिपर। तो से चैप्टरटी आम एम सी क्यू क्वेश्चन डिस्कसन करवा जहाँ भी रही एम सी क्यू अर्थात आम एस ए वन एग्जाम हो अर्थात एस ए टू एग्जाम हो दुईट जाक एग्जाम आवश्यकता रही। तो से चैप्टर आम एम सी क्यू जहाँ अच्छे कवर करवा आज ठीक अच्छे। भिडियोटी को बिना स्किप करी भल भाव सब क्वेश्चन गुड़ी को देखा जहाँकि आमको परीक्षापी बहुत लाभदायक है अर्थात या पूर्व आमर ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल चैप्टर टी सरी जा तार भिडियो प्लेलीस्ट अवेलेबल अच्छी जदि ताक न देखीचे से भिडटी सर्वप्रथमें देखने देन ये विषय टी देखने एवं जो माने नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करने वा। तो देखो तो प्रथम क्वेश्चन आरंभ करवा कौन रही देखो तो प्रथम क्वेश्चन रहा द पोएम सॉलिटरी रिपर इज रिटन बाय सॉलिटरी रिपर कहा द्वारा रिटन कर विलियमसन वाट्सवर्थ जॉन केट्स शेक्सपियर सी एफ अलेक्जेंडर। तो यार सठिक उत्तर कौन रही ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर टू द सेटिंग ऑफ द पोएम इज डैश। तो यार सठिक उत्तर कौन रही द माउंटेन रीजन ऑफ स्कॉटलैंड। ओके तो यार सठिक उत्तर रोच ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर थ्री नेक्स्ट रहा क्वेश्चन नंबर थ्री द पोएम डिपिक्ट ए डैश। तो यार सठिक उत्तर हो सॉलिटरी हाइलैंड लैश। ओके तो क्वेश्चन नंबर फोर The poet was passing through a dash, forest, cornfield, valley, narrow valley. The correct answer was a valley. Okay, option C is correct. Question number 5. What is the girl doing by herself? Singing, playing, reaping and singing, binding the grain. Okay. द करेक्ट आंसर होची कौन रेपिंग एंड सिंगिंग। ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट डज द पोएट आस्क हिज को ट्रैवलर्स टू बी होल्ड द माउंटेन्स रीजन ऑफ द स्कॉटलैंड द ब्यूटिफुल कॉर्नफील्ड द सॉलिटरी रिपर इन द फील्ड द नाइट एंगल ओके। तो यार सठिक उत्तर कौन सॉलिटरी रिपर इन द फील्ड ऑप्शन सी हूँ यार सठिक उत्तर। ओके क्वेश्चन नंबर सेवेन द पोएट आस्क द पासर टू बाय टू Stop here, see the girl, stop and see the girl, stop there and gently pass. तैयार सठिक उत्तर हो कौन Stop there and gently pass. Option D हो यार सठिक उत्तर। तो से भाई देखा क्वेश्चन नंबर 8. In the line, behold her single in the field. The pronoun her stands for. एट जो हर लगी प्रोनाउंस से स्टैंड फॉर द सॉलिटरी रिपर द सॉलिटरी गर्ल द सॉलिटरी वर्कर नॉन ऑफ द अबव। तो यार सठिक उत्तर कौन रही द सॉलिटरी रिपर। ओके क्वेश्चन नंबर 9 द पोएट आस्क्स अदर पैसर्स बाय टू स्टॉप देयर टू डैश द पोएट आस्क्स अदर पासर बाय टू स्टॉप देयर टू सी द लोनली गर्ल एंजॉय द
सैनिक ब्यूटी लिसन टू द गर्ल सॉन्ग लिसन टू कुक कुक वॉइस कुक वॉइस ओके द करेक्ट आंसर इज लिसन टू द गर्ल सॉन्ग ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके सटीक उत्तर होच ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 10 द पोएट डज नॉट विश टू डिस्टर्ब द गर्ल आस्क एनीथिंग टू द गर्ल स्टॉप देयर नो अबाउट द गर्ल द पोएट डज नॉट विश कौन इच्छा कर नथिले ठीक अछि डिस्टर्ब द गर्ल ओके ऑप्शन ए होची सटीक उत्तर नेक्स्ट देखबा क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग इज द गर्ल सिंगिंग थ्रिलिंग सोरोफुल प्लीजेंट मेलोडियस व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग इन द गर्ल सिंगिंग को टाइप रो सॉन्ग नहीं यार सटीक उत्तर हो कोन सोरोफुल दुखदायक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट डू यू मीन बाय मेलनकोली स्ट्रेन मेलनकोली स्ट्रेन ओके मिथोलॉजिकल सॉन्ग मेलोडियस सॉन्ग सॉलिटरी सॉन्ग सैड सॉन्ग यार मीनिंग कौन रही तो सैड सॉन्ग ओके ऑप्शन डी हो रहा सटीक उत्तर तो क्वेश्चन नंबर 13 द होल डैश फ्लोडेड विद द ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ द गर्ल एरिया वैली फील्ड माउंटेन्स यार सटीक उत्तर है कौन वैली ओके ऑप्शन बी हो रहा सटीक उत्तर तो से भले क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इको द साउंड रिपर सॉन्ग द वैली द नैरो हिल द कॉर्नफील्ड द माउंटेन्स तो ये कौन रहा सटीक उत्तर हो द वैली तो ऑप्शन ए हो रहा सटीक उत्तर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 हु ब्रिंग्स वेलकम नोट्स द कुक कुकुक ना कौन है नाइट इंगल ना सॉलिटरी रिपर ना वेरी ट्रैवलर्स तो हु ब्रिंग्स वेलकम नोट्स किए वेलकम नोट्स आने नहीं तो ये सटीक उत्तर कौन रहा द नाइट इंगल ओके ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 16 द कुकुक बर्ड इज फेमस फॉर इट्स स्वीट वॉइस ब्यूटीफुल फीदर्स ब्यूटीफुल कलर्स ऑल द अबव तो कोथ पे से फेमस कुक बर्ड जो रहला कुकुक नहीं कुक बर्ड ओके यार सटीक उत्तर कौन रहबो यार सटीक उत्तर रहबो स्वीट वॉइस तार स्वीट वॉइस पे से फेमस क्वेश्चन नंबर 17 वेयर डू द नाइट इंगल्स सिंग इन द रिवर एसेल्स एमंग द हर्बर्ट्स इन द हिली एरिया ऑफ स्कॉटलैंड इन द ओसिस एमंग अरेबियन सैंड्स यार सटीक उत्तर हो कौन ऑप्शन डी इन द ऑसिस एमंग अरेबियन स्टैंड्स सैंड्स ओके क्वेश्चन नंबर 18 फॉर हुम डू द नाइटिंगेल सिंग फॉर द पोएट फॉर द पासर्स बाय फॉर द ट्रैवलर्स द सॉलिटरी गर्ल तो यार सटीक उत्तर हो कौन फॉर द ट्रैवलर्स ओके क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी तो क्वेश्चन नंबर 19 द पोएट क्यूसेस दैट द गर्ल सॉन्ग वाज रिलेटेड टू सम किसी कौन से घटना सहित जड़ित अच्छे पास्ट इवेंट प्रेजेंट इवेंट फ्यूचर इवेंट ऑल द अबव सब गीतटा क्या सहित जड़ित था सब पास्ट सहित आम जो कौन से गीतटा गाचे कौन गोटे घटना घटी जाए ताको ये कराऊे तो रहा पास्ट एक्सपीरियंस गलापर तापर गीतटा आसूँ ना तो पास्ट इवेंट ओके 20 द पोएट
which is that the girl's song contains a theme of कौन रही थीम से सरू रही लस लस आर पेन अल द एबव तो ये कौन रही सब रही सरू रही लस रही पेन रही अल द एबव ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट डज स्वैडी हॉन्ट रिफर टू स्वैडी हॉन्ट रिफर कर डीप वैली हाइलैंड ओएसिस इसलैंड तार सठिक उत्तर कौन र 21 ऑप्शन सी ओके। 22 द पोएट कैरेड द डैश इन हिज हार्ट पिक्चर फीलिंग म्यूजिक इमोशन दैट कौन द पोएट कैरेड द डैश इन हिज हार्ट ऑप्शन सी म्यूजिक एटा सठिक उत्तर हम कौन म्यूजिक ओके। नेक्स्ट देखा 23 द मेलोडी ऑफ द सॉन्ग होल्ड द पोएट सरप्राइज्ड ऑलमोस्ट मेस्मराइज्ड ओवर इट तो ऑप्शन कौन रहेगा सटीक उत्तर ऑप्शन सी ओके। तो 24 व्हेन द कुक कुक बार्ड डॉज सिंग कितने बार से गीत गाए इन ऑटम इन स्प्रिंग इन समर इन विंटर तो कौ ऋतु रहा तो सब से गए इन स्प्रिंग ओके ऑप्शन बी हूँ सठिक उत्तर। तो से बोल दिखाए 25 एलम डैश कॉर्स द फाइंड्स द ग्रेन द यंग फार्मर द ओल्ड फार्मर द सैलिटरी वर्कर द सैलिटरी रिपर तो यार सठिक उत्तर है कौन द सैलिटरी रिपर। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट ब्रेक्स द साइलेंस ऑफ द सीज द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल द सॉन्ग ऑफ द कुक नहीं द सैलिटरी रिपर सॉन्ग द साउंड ऑफ द सी वेव्स द ब्रेक्स द साइलेंस ऑफ द सी तो यार सठिक उत्तर है कौन ऑप्शन बी द सॉन्ग ऑफ द कुकू कुक ओके कुक 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 नहीं हस लगुच बहुत बढ़िया हस कि मन रखीदे दरकार ठीक अच्छे आ खाली हसिले हेनी क्वेश्चन गुड़िया मन रख जहाँकि परीक्षा में काम दब। व्हाट इज द गर्ल डूइंग बाय हरसेल्फ सिंगिंग प्लेइंग रिपिंग एंड सिंगिंग बाइंडिंग एंड ग्रेन बाइंडिंग द ग्रेन ओके द करेक्ट आंसर हो कौन रिपिंग एंड सिंगिंग ओके ये रहा सठिक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज द वैली ओवरफ्लोइंग विथ वाटर साउंड ऑफ द एनिमल सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रिपर सॉन्ग ऑफ द बार्ड तो यार सटीक उत्तर है कौन सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रिपर ओके ऑप्शन सी रहा सटीक उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 29 तो 29 रे कौन रही देखा द एक्सप्रेशन प्लानेटिव नंबर्स मीन्स सम फिगर्स सम प्लीजेंट एक्सपीरियंस सैड म्यूजिक अनप्लीजेंट मेमोरी तो यार सटीक उत्तर कौन रार मिनिंग रोचे तार मिनिंग रण सैड म्यूजिक ओके ऑप्शन सी रठिक उत्तर। तो 29 पर आसगला 30 क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इकोज द साउंड ऑफ द रिपर्स सॉन्ग द न्यारो हिल द वैली द कॉर्पिल द माउंटेन्स तो यार सठिक उत्तर कौन द वैली ओके। 31 रहा द वार्ड डैश इन द पोएम रिफर दैट द रिपर इज अनमेरिड यन सॉलिटरी मेड एंड सिंगल तो कौ वार्ड रेफर करुचे
द रिपर इज अनमेरिड। ओके, यार सटीक उत्तर अच्छी कौन मैडन, तो ऑप्शन बी हो जा रहा सटीक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज द पोएट कैरी विथ हिम व्हाइल गोइंग अप द हिल, जितेबले चाहूले कौन रखुले द लगेज, द म्यूजिक अफ द सॉलिटरी गर्ल, द फूड, हिज ब्रेकफास्ट। तो यार सटीक उत्तर है कौन द म्यूजिक अफ द सॉलिटरी गर्ल। ओके, सॉलिटरी सॉलिटरी जहाँ कहपर गोटे किसी ना सेटा जहाँ आसो तुम प्रमाण में। व्हिच एक्सप्रेशन डज नॉट रेफर टू द सॉलिटरी गर्ल। ओके, मैडन, हाइलैंड, लैस, वेरी बैंड्स, सॉलिटरी एंड हाइलैंड लैस। तेरा सटीक उत्तर हो कौन वेरी बैंड्स। तो ऑप्शन सी रहबार सटीक उत्तर। व्हाट इज द गर्ल रिपिंग द कॉर्न विथ एक्स सिकल सेप्ट हार्वेस्टर। तो यार सटीक उत्तर हो कौन ऑप्शन सी सिकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, हाउ डिड द पोएट लिसन द सॉन्ग विदाउट स्टॉपिंग वॉकिंग स्लोली माइलस्टोन ए मोशनलेस एंड स्टिल वॉकिंग वेरी फास्ट। तो यार सटीक उत्तर है कौन मोशनलेस एंड स्टिल, मोशन ने गति तर अफ हो गला। ठीक अच्छे, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डिड द पोएट बियर द म्यूजिक, व्हाट डिड द पोएट बियर द म्यूजिक इन हिज माइंड इन हिज बॉडी इन हिज सोलो इन हिज हार्ट। करेक्ट आंसर होचे इन हिज हार्ट, ऑप्शन डी हो चेर सटीक उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 37, द फ्रेज फैमिलरी मैटर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम मीन्स द इवेंट ऑफ डे टू डे लाइफ, पास्ट लाइफ, नॉर्मल लाइफ एंड मैटेरियल लाइफ। तो यार सटीक उत्तर कौन रहा डे टू डे लाइफ, तो ऑप्शन ए हबार सटीक उत्तर। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 38, ओके, द पोएट इमेजिन्स आज इफ द रिपर सॉन्ग कुड हैव नो मीनिंग एंडिंग रिदम साउंड। तो यार सटीक उत्तर कौन एंडिंग। ओके, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, इन द पोएम द फ्रेज हम्बल ले मीन्स ए सॉन्ग अबाउट ऑर्डिनरी इवेंट, ए सॉन्ग अबाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, ए सॉन्ग अबाउट मोडेस्ट थिंग, ए सॉन्ग अबाउट रिच पीपल। तो यार सटीक उत्तर कौन रहा ए सॉन्ग अबाउट ऑर्डिनरी इवेंट, ऑप्शन ए रहा सटीक उत्तर। तो देख लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, स्वीट म्यूजिक अपील्स टू ऑल, रिपर्स कैन सिंग लाइक बर्ड, ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस हैव लॉन्ग स्टैंडिंग इफेक्ट्स, रिच हार्वेस्ट मेक द रिपर हैप्पी। तो यार सटीक उत्तर है कौन स्वीट म्यूजिक अपील्स टू ऑल। ओके, ऑप्शन ए हो चार सटीक उत्तर। जो मैंने भी वर्तमान सुधा चैनल को सब्सक्राइब करना है जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करने और पाखर थी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबा, जो घंटी सिंबल आसे क्लिक करवा ऑल नोटिफिकेशन रे ऑन कर नबा, जहाँ फल कि परवर्ती क्लास गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँच पार। तो यह परवर्ती समय यार पर चैप्टर गुड़िकपलोड तो वीडियो गुड़ी सब भल भाव देखने वा क्वेश्चन गुड़ी अभ्यास करवा। आज 40 क्वेश्चन रे जहाँ भी आपण मान रहा केते मार्क रहा 40 निजर अभ्यास करमेंट बक्स में
कमेंट करवा। धन्यवाद। जय श्री राम।